जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका आभार है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाए, ताकि आपको हमेशा सही जानकारी मिलती रहे। आज हम बात करने वाले हैं शादी के उपायों की, जो बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं इस विषय को लेकर, एक वृहद और बड़ा वीडियो बनाने का। देखिए, शादी के उपायों में पीले गुरुवार करते हैं कि आपको पीले गुरुवार करना चाहिए। जो बेसिक आप अभी तक करते आ रहे हैं उनको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। दूसरा है शुक्रवार के दिन शिव जी को इत्र लगाना। तीसरा है कि सोमवार का व्रत भी करना, बहुत से जातक ये कहते हैं, बहुत से लोग शुक्रवार का व्रत भी करते हैं। तो ये बेसिक्स उपाय आपने अभी तक किए होंगे, या नहीं किए होंगे तो एक बार आप इन्हें भी कर सकते हैं। इन सबसे अलग हम आज बात करेंगे। पहले नंबर पर बात यह है कि अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से चीज़ें घटित नहीं हो रही है, बातें नहीं चल रही है, तो सबसे पहला और बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके लिए है वो है कि आप वो जो रिश्ते जो पुराने कहीं सगाई होने के बाद टूट गई हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी इसी विषय को लेकर होती है। सगाई हो जाती है या रिश्ता कहीं बात बन जाती है लेकिन फिर टूट जाती है, तो एक बहुत बड़ी चीज़ याद रखना है कि कहीं भी बात चल रही है उसे गोपनीय रखें। गोपनीय से मतलब है आप और जिस पक्ष में बात हो रही है उन तक ही रखें, अन्य तक ना जाने दें, क्योंकि अन्य तक जाती है उस बात का डर अलग तरह से वे बन जाता है और लोग गलत संभावनाएं, गलत चीज़ें व्यक्त करके चीज़ों को खत्म कर देते हैं, तो बात आगे नहीं बढ़ती। और एक माहौल इस तरह का क्रिएट किया जाता है कि इनकी सगाई एक बार टूट चुकी है, दो बार टूट चुकी है, तीन बार टूट चुकी है, तो वो जो माहौल है वो इस तरह का मैसेज आता है कि कुछ कमी होगी, कुछ कुछ तो बात होगी इसलिए सगाई नहीं हो पा रही, कुछ तो बात होगी। तो ये जो एक शंका उत्पन्न हो जाती है, इसलिए शंका को कहीं भी जन्म मत देने दे। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है शंका। ये बहुत बड़ी बात शेयर कर रहा हूँ, कोई छोटी बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात है कि ये तो मैंने एक अलग लिंक से बात की, लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी इसलिए मैंने पहले शेयर कर दी। आप अपने साथ काली मिट्टी हमेशा रखें, एक उपाय में सबसे महत्वपूर्ण काली मिट्टी अपने पार्श्व में रखें, अपने साथ मिट्टी जरूर रखें। तीसरी बात है कि मंगल दोष जो है मांगलिक कुंडलियों के लिए बहुत ज़्यादा एक तकलीफ दे विषय है, तो एक बार उसका एनालिसिस अच्छे से करवा ले और उस मंगल दोष का निवारण जरूर कर ले आप। निवारण करने के लिए आप जो भी उपाय आपने किए या नहीं भी किए हो, तो एक सिंपल सा मैं आपको उपाय बता देता हूँ कि मंगल दोष अगर आपको है या कोई सा भी दोष है, तो 1,25,000 बार महामृत्युंजय का स्वयं जाप करें। महामृत्युंजय का जाप स्वयं कर लें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमी बंधनात् मृत्युर्मोक्षीमामृतम्। इसका जाप करने के लिए आपको कहीं कुछ भटकने की जरूरत नहीं है, सोते बैठते उठते जैसे करना चाहे वैसे 1,25,000 बार कर सकते हैं। इसके जप करने के बाद आपका मंगल दोष जो है वो खत्म हो जाएगा। खत्म होने से मेरा मतलब है कि जो उसके अड़चने आपकी अड़चने जो पैदा हो रही वो रुकावटें बंद हो जाएगी। ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपसे शेयर किया। देखिए, ये बात तो मैंने आपसे शेयर की। अब एक और बात है जो सबसे ज़्यादा परेशान करती है आज के युवाओं के लिए, कि फ़ोन पर बहुत ज़्यादा जो बातें होती है, वो चीज़ें होती है, वो भी एक बहुत ज़्यादा दुखदाई है। वो होना चाहिए लेकिन वो एक लिमिट में हो, बस यही उपाय है। इसे जब ध्यान रखें। अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जय श्री महाकाल।